हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सबसे पहला है हमारा पैन, फिर पढ़ेंगे हम कैन, फिर पढ़ेंगे हैन, फिर पढ़ेंगे सैन, ईपीएन एंड देन वीपीएन। हमने ऑलरेडी लैन, मैन और वैन कवर कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं पैन से। ओके, सबसे पहला हमारा नेटवर्क है पैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये कैसा नेटवर्क है, पर्सनल। तो ऐसा नेटवर्क जो हमारा खुद का होगा वह क्या कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब ऐसा नेटवर्क जो हम 10 मीटर के अंदर अंदर की रेंज में बनाते हैं और वह पर्सनली खुद बनाते हैं, वह क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यदि एग्जाम्पल दूं तो यदि हम हमारे मोबाइल से हमारे लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे मोबाइल से हमारे स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे मोबाइल से हमारे स्पीकर्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यदि हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, हमारा लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, मोबाइल से हमारे स्पीकर कनेक्ट कर लिया, उसी मोबाइल से हमने हमारी स्मार्ट टीवी कनेक्ट कर ली, तो ये सब चीजें किसके एग्जांपल है, ये है हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल है। क्या किया हमने, हमारा पर्सनल मोबाइल है और हमने पर्सनल मोबाइल से हमारे जो बाकी डिवाइसेस थे हमारे कमरे में या हमारे घर में, तो हमने उसको क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है थ्रू नेटवर्किंग, उसे क्या कहा जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस रहेंगे कि सबसे पहली बात ये कैसा नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मतलब कि हमारा खुद का, मतलब ना कोई तीसरा बंदा आ रहा है, ना पड़ोसियों का कनेक्ट है कंप्यूटर, ना कोई दूसरे बंदे कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा सिक्योर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा खुद का नेटवर्क है, तो कोई तीसरा बंदा आके ना तो हमारी फाइल देख पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा, ना कुछ भी कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, इसमें सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा नेटवर्क होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा, स्पीड भी क्या हमको मिलेगी, स्पीड भी इसकी क्या रहेगी, हाई। ठीक है, हम हाई स्पीड मिलेगी क्योंकि हम अकेले कनेक्टेड है, तो हमारा जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो भेजने की स्पीड है, वो सब कैसी रहेगी, हमारे तक ही सीमित रहेगी, हमने ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ रखा है, तो हमारी जो स्पीड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, तो स्पीड भी इसमें कैसी मिलेगी, हाई मिलेगी। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, तो पहले डिसएडवांटेज क्या होगा, ये कैसा है, शॉर्ट रेंज। ठीक है, कैसा है, शॉर्ट रेंज, यानी कि हम इसमें सिर्फ 10 मीटर तक के एरिया में ही चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर से ज्यादा भी क्या हो जाएगा, हम डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे या डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, शॉर्ट रेंज नेटवर्क होगा, मतलब हम छोटी दूरी तक ही इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है इसका एग्जाम्पल, सॉरी, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इफ बैकबोन डैमेजेस और नेटवर्क अफेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि जो हमने मेन कनेक्शन ले रखा है, मेन इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, यदि वही खराब हो गया या वही चलना बंद हो जाए, तो क्या होगा, हमारा पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो जाएगा। सीधी बात है कि यदि हमारा मोबाइल है, हमने मोबाइल से लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं, और हमने हमारी स्मार्ट टीवी कनेक्ट कर रखी है, और लैपटॉप में क्या चल रहा है हमारा, थ्रू इंटरनेट। अब मान लो कि इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो गया, तो क्या होगा, हमारी इन तीनों चीजों से कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि यदि बैकबोन, बैकबोन मतलब जो मेन इंटरनेट प्रोवाइडर है, या जो जो हमको मेन चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो हमने डीएसएल ले रखा है या वाईफाई, हमने जो भी कनेक्शन ले रखा है, यदि वही खराब हो जाएगा या वही खराब हो जाएगा, तो जो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। तो ये रहे हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। ओके, तो ये था हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला हम पढ़ेंगे कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला हमारा नेटवर्क है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, CAN यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, या कैन क्या होता है, सीधी बात है पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता था, जो पर्सनली हमारे खुद के एरिया में हम नेटवर्क बनाते थे, उसको क्या बोलते थे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यही चीज क्या हो गई है, कैंपस। अब कैंपस का नाम आपने सुना ही होगा, ये मेरा कैंपस है, ये हमारा स्कूल कैंपस है, हमारा कॉलेज कैंपस है, ये हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस है, ऐसी बात बोलते हैं ना, तो वही चीज है ये। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो किसी कैंपस में हम क्रिएट करेंगे, वह क्या कहलाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। यानी कि यदि हम पूरे स्कूल के लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, या हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज के कॉलेज के
कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे और एक नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, एक सिंगल कैंपस के अंदर या हॉस्पिटल्स के सारे कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे। तो यदि हम एक कैंपस के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। यानी कि यदि कहा जाए तो एक से लेकर 5 किलोमीटर तक के एरिया में यदि हम एक नेटवर्क बना रहे हैं किसी कैंपस में, कॉलेज में या हॉस्पिटल में या कोई भी इंडस्ट्री में, कंपनी में, तो वो क्या कहलाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। और ये कैसा हो सकता है, वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस, ये दोनों प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं। मतलब हम कैंपस एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो क्या हुआ, कैंपस एरिया नेटवर्क से, कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज एस्टेब्लिश्ड इन अ कैंपस लाइक स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी और एनी हॉस्पिटल और कंपनी, ओके, विद इन अ रेंज ऑफ 1 to 5 किलोमीटर ऑफ एरिया। मतलब 1 से 5 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर यदि हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे किसी कैंपस में, कैंपस बोले तो कॉलेज का कैंपस, यूनिवर्सिटी का कैंपस या स्कूल का कैंपस, व्हाटएवर द कैंपस इट इज, ओके, तो उसे क्या कहेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क, ओके। और वो वायर्ड हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज में हम लिखेंगे एनी नंबर ऑफ कैन बी कनेक्टेड, ठीक है, हम कितने भी डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नया यूजर आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं यदि वो वायरलेस है या वाईफाई किसी भी प्रकार का, ठीक है। दूसरा मोबिलिटी, ठीक है, यदि मोबिलिटी मतलब क्या हो गया, यदि हमने वायरलेस नेटवर्क बनाए रखा है तो कैंपस के अंदर अंदर, मतलब ये कैंपस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी रहेगी। मतलब हम यदि हमारे डिवाइस है यदि वो कैंपस एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उस पूरे रेंज में यदि हम मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, या इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं उस रेंज में। मतलब कि यदि 5 किलोमीटर तक की रेंज है यदि हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क की, तो हम 5 किलोमीटर तक कहीं भी घूम फिर सकते हैं और हमारे इंटरनेट को चला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, डिसएडवांटेज में ये होगा कि स्पीड क्या मिलेगी हमको, स्लो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कैंपस एरिया नेटवर्क में हम यदि ज्यादा यूजर जैसे जैसे कनेक्ट हो जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, स्पीड हमारी कम होती जाती है। और सीधी बात है, डिस्टेंस के साथ भी हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम हमारे जो हॉटस्पॉट है जो हमने वो बनाया रखा है, एक्सेस पॉइंट बना रखा है, जितनी दूरी पर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जो स्पीड रहेगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे सिग्नल है वो ट्रेवल करते करते क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस उसके बीच में आ जाता है, तो हमारी डायरेक्टली स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा डिसएडवांटेज जो कि ये कैसा है, वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, यदि हम बनाते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क ज्यादातर हम क्या बनाते हैं, वायरलेस ही बनाते हैं, तो वायरलेस के केस में ये क्या होगी, इसकी सिक्योरिटी कैसी रहती है, इसकी सिक्योरिटी कैसे रहेगा, हमेशा लो रहेगी, ये लेस सिक्योर रहता है, क्यों, क्योंकि कैंपस है तो कैंपस एरिया नेटवर्क है, तो सीधी बात है कि उसमें बहुत सारे लोग, पूरे कैंपस के स्टूडेंट्स वगैरह कनेक्ट रहेंगे तो हैकिंग हो सकती है, हमारा डेटा चोरी हो सकता है किसी प्रकार की चीज। वहीं हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करी थी, उसमें सिर्फ कौन था, सिर्फ हम थे और हमारा मोबाइल था और हमारे लैपटॉप भी कनेक्टेड थे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे कैंपस के लोग, पूरे स्टूडेंट के लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कि कोई भी किसी का डेटा किसी भी समय पे देख सकता है या हैक कर सकता है, वायरलेस है तो वाईफाई को हैक करके कोई भी कॉलेज के इंफॉर्मेशन या यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, ओके, या करप्ट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जो हम 1 से 5 किलोमीटर तक के एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके बनाते हैं, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, कैंपस। नाम से ही समझ में आता है, कैंपस मतलब एक एरिया, ठीक है, एक जगह को बोलते हैं कैंपस, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला हम पढ़ेंगे होम एरिया नेटवर्क, ओके। अगला जो हम नेटवर्क पढ़ेंगे वो है हमारा होम एरिया नेटवर्क, होम एरिया एंड नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क मतलब समझ में ही आ रहा है क्या लिखा हुआ है, होम एरिया, तो ऐसे नेटवर्क जो हम एक होम में बनेंगे, मतलब कि होम बोले तो एक स्मॉल एरिया में यदि हम एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं उसे क्या कहते हैं, होम एरिया नेटवर्क। स्मॉल एरिया मतलब वो हमारा होम भी हो सकता है, वो हमारा हॉस्पिटल हो सकता है, हमारा एक ऑफिस हो सकता है, ठीक है। तो एक छोटे से
एरिया में यदि हम हमारा जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं उसे क्या कहते हैं, होम एरिया नेटवर्क। अब इस तरीके के नेटवर्क में होता क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम हमारे घर के सारे डिजिटल अप्लायंसेस या जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको क्या करते हैं एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एक पूरा ये नेटवर्क है, हम क्या करेंगे, ये हमारा घर है, इसके अंदर हमारे पास एक मोबाइल है, सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, लैपटॉप है हमारा, थर्मोस्टेट है हमारा, हमारे स्मार्ट टीवी है और जितनी भी सारी चीजें हम क्या करेंगे उनको एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो नेटवर्क बनेगा उसे क्या कहेंगे, होम एरिया नेटवर्क। यानी कि मैंने क्या किया, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन लिया है और उस सिंगल इंटरनेट कनेक्शन की मदद से, उस इंटरनेट की हेल्प से मैंने क्या किया, हमारे मोबाइल को, हमारे लैपटॉप को, हमारे स्मार्ट टीवी को, हमारे स्मार्ट बल्ब्स को, हमारे स्मार्ट क्या बोलते हैं होम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, बोले तो रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव, उन सबको हमने आपस में कनेक्ट कर लिया। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि मैं एग्जांपल बोलूं तो हम क्या कर सकते हैं आजकल, हमारे स्मार्टफोन से हमारी एसी को कम ज्यादा कर सकते हैं, स्मार्टफोन से हमारे टीवी को चला सकते हैं, ठीक है, थ्रू वाईफाई और डिफरेंट कनेक्शन। हमारे आजकल वायरलेस सीसीटीवी कैमरास आने लगे हैं, तो वो सब हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन लिया है, हम उसके द्वारा जो भी हमारे घर में डिजिटल अप्लायंसेस हैं, जो भी स्मार्ट अप्लायंसेस, उसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं ताकि हम उनको आपस में इंटरऑपरेबिलिटी हो सके, कि हम बैठे बैठे सबको एक दूसरे से डेटा भेज सके या उनकी कनेक्टिविटी या लिंकिंग कर सकें। तो उस तरीके का नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है, होम एरिया नेटवर्क। मतलब कि एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन या सिंगल नेटवर्क से सारे जितने भी हमारे घर में डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उनको कनेक्ट करना, और वह जो नेटवर्क बनेगा उसे कहेंगे होम एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेज सीरीज बात है कि हम होम एरिया नेटवर्क में कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसकी सिक्योरिटी कैसी रहेगी, सिक्योरिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। इसके बाद इसकी स्पीड भी कैसी रहेगी, हाई रहेगी, क्योंकि हमने हमारा नेटवर्क किसी के साथ शेयर नहीं करा, जो हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया है वो हम घर में ही यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्पीड भी हमको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये दो चीजें हैं एडवांटेजेस में, ठीक है, और इसके बाद डिसएडवांटेजेस। बाकी एडवांटेजेस जो नेटवर्किंग वाले हैं वो तो हमारे साथ रहेंगे कि हम डेटा सेंड कर सकते हैं, आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके एडवांटेजेस तो रहेंगे, ठीक है, जो नेटवर्किंग के एडवांटेज होते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस में हम क्या लिखेंगे, पहला डिसएडवांटेज क्या होगा हमारा, रेडिएशन का। ठीक है, सीधी बात है कि हमने पूरे घर को कैसा कर रखा है, वाईफाई, तो क्या होगा, जो हमारे सिग्नल है वो हमारे बॉडी को क्या करेंगे, हार्मफुल होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे रेडिएशन क्या करेंगे, हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो यदि हमारा जो मेन है, मेन इंटरनेट यदि क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यदि मेन इंटरनेट चलना ही बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी पूरी कनेक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी। जो हम नेटवर्किंग के एग्जाम डिसएडवांटेज में पढ़ी थी कि यदि मेन सर्वर जहां से मेन केबल या मेन सर्वर बंद हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। सीधी बात है कि हमने इंटरनेट का बीएसएनएल का कनेक्शन ले रखा है या एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, अब वो बीएसएनएल या एयरटेल वालों का ही कनेक्शन बंद हो गया तो होगा क्या, हमारे सारे जो घर में हमने कनेक्टिविटी कर रखी है, जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तो कनेक्शन किस बात का। ठीक है, तो हमारे जो पूरे डिवाइसेस वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर रहा है। तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होम एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होम एरिया नेटवर्क। अगला है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, अगला है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी कि सैन। सैन का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब फिर से नाम की तरफ जाएंगे, क्या लिखा हुआ है स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, स्टोरेज मतलब कि ऐसा कोई सा नेटवर्क है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टोर करना रहेगा तो उसके लिए हमने कुछ नेटवर्क कर रखी है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अब होता क्या है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, क्या होता है, मान लो कि ये हमारा एक कंप्यूटर है, अब ये एक और कंप्यूटर है, ये जुड़ गया, ये नेटवर्किंग हो गई, और एक और कंप्यूटर जोड़ दिया, ये चार कंप्यूटर जोड़ दिया हमने आपस में, अब चार कंप्यूटर जुड़े आपस में, तो इसको क्या कहा जाता है, सिंपल ये हो गया हमारा नेटवर्क। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इस नेटवर्क में हमने एक क्या जोड़ा है, साथ में स्टोरेज डिवाइस, हम क्या करेंगे, क्लास कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस है, जिसको डेटाबेस भी बोलते हैं, डेटाबेस सर्वर बोलते हैं, जहां पे क्या कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा डेटा रख सकते हैं या फिर वहां से पूरा का पूरा डेटा
ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक नेटवर्क में एक हमने क्या किया, स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज डेटाबेस इसमें ऐड कर दिया। मान लो मैंने यहां पे जोड़ दिया एक क्या डेटाबेस या सर्वर, डेटाबेस सर्वर ही बोलते हैं। अब क्या होगा, हमने इस नेटवर्क में क्या जोड़ दिया, सब लोगों के लिए एक डेटाबेस सर्वर यानी कि एक स्टोरेज, जैसे बोलते हैं ना स्टोरेज बोलूं तो मैं, जहां पे हम चीजों को रख सकते हैं। ये क्या हो सकता है, ये चाहे तो डिस्क हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है ज्यादा कैपेसिटी वाली, ठीक है, टेप्स हो सकते हैं, जितने भी हमने स्टोरेज डिवाइसेस पड़े हैं वो सब ये हो सकते हैं, मतलब चीजें रखने के लिए वह जगह, ठीक है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, जो सब स्टोरेज डिवाइसेस पड़ी हैं, ठीक है, मेमोरी पेन ड्राइव हम नहीं यूज करते हैं, ये क्या स्टोरेज डिवाइसेस, जो बड़े बड़े डेटा स्टोर करने के लिए हम डिवाइसेस यूज कर सकते हैं वो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारा नेटवर्क है उसमें क्या किया, एक स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। स्टोरेज डिवाइसेस बोले तो डेटाबेस सर्वर, मतलब कि जहां पे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसको कुछ रखना है तो वो इसमें स्टोर कर सकता है और इसको कुछ चाहिए तो इसी से वो ले सकता है। तो हमने नेटवर्क में क्या कर दिया, हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस ऐड कर दिया। उस तरीके का नेटवर्क हम जो बना वो कहलाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऐसा नेटवर्क जिसमें हम एक स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो बाकी जो हमारे कंप्यूटर से वहां पे डेटा रख सके या वहां से डेटा ला सके, उस तरीके के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये किस पे कहां पाया जाता है ज्यादातर, जैसा कि आपने देखा होगा बैंक्स में, बैंक में हम क्या करते हैं, सारा का सारा जो हमारा डेटा रहता है वो हम कहां रखते हैं, हमारे मेन स्टोरेज पे, ठीक है, बोलते हैं ना सर्वर डाउन हो गया है तो क्या हो रहा है, वह सब हमारा डेटा कहां रखा रहता है, उनके सर्वर पे, और वहीं से वो क्या करते हैं, डेटा लेके आते हैं और वहीं पे हमारा डेटा रखते हैं। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क किया जा रहा है, जो सब लोगों का डेटा है वो हम एक जगह रखते हैं और वहीं से डेटा एक्सेस करते हैं या फिर वहीं पे डेटा हम जाके स्टोर करते हैं। तो इस तरीके का नेटवर्क कहलाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसमें हम कंप्यूटर्स को या हमारे नेटवर्क को एक स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं, इस नेटवर्क में हम एक स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, उसे क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाम से याद रखना, हमने क्या किया, हमने उस नेटवर्क में क्या कर दिया, एक स्टोरेज डिवाइस को ऐड कर दिया, ओके। तो ये हमारा सैम, अब देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं एक हमारे सैम के, यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहला चीज है स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब कि कह सकते हैं कि यदि हम सैम है, हमारा एक नेटवर्क है, हमने क्या किया उसमें एक स्टोरेज ऐड किया, हम क्या कर सकते हैं इसमें कितने भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अभी हमारे पास एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ तो हम एक और कंप्यूटर भी ऐड कर लेंगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या कर सकता है, इस डिवाइस में डेटा को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। इसी तरह तीन कंप्यूटर जाएंगे तो भी वो क्या कर सकता है, इस सेंड से कनेक्ट हो सकता है और डेटा को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है यहाँ पे स्टोरेज में या फिर रिसीव कर सकता है। तो क्या होगा, स्केलेबिलिटी, हम मतलब इसमें कितने भी सारे डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाएगी एडवांटेज, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, हमारा इंप्रूव हो जाएगा। सीधी बात है कि जिसको भी कोई भी डेटा रहेगा क्या करेगा, यदि सब लोग यहीं पे डेटा रख रहे हैं तो यदि इन दोनों के डेटा किसी को चाहिए रहेंगे तो इनसे पर्सनली डाल लेके क्या करेगा, यहां से वो उनका डेटा उठा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, सब लोग एक जगह पे डेटा रख रहे हैं और कुछ भी यदि तीनों को मिलकर काम करना है तो क्या होगा, वह तीनों मिलकर भी किसी चीज पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग यदि मान लो एक फाइल है यहाँ पे, तो यदि सभी लोग उसी फाइल पे काम कर रहे हैं तो ये तीनों क्या होंगे, उसी फाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी को बदल सकते हैं या एक्सेस भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, तीनों लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, पहला हो गया स्केलेबिलिटी, दूसरा क्या, परफॉर्मेंस इंप्रूव पड़ेगा, तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी। ठीक है, स्टोरेज में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, मतलब कि ये स्टोरेज जरूरी नहीं कि वो हमारे घर में ही लगा हो या हमारे ऑफिस में ही लगा हो, ये जो स्टोरेज डिवाइस है वो कहीं पे भी हो सकता है, दूसरी लोकेशन में, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं, जैसे हम फेसबुक चलाते हैं तो हम अभी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी वो हमारे मोबाइल पे अपलोड होती है, वो कहाँ अपलोड होती है, फेसबुक के सर्वर्स कहाँ पे हैं, यूएस में, ठीक है। तो क्या होगा, ये अलग अलग लोकेशन पे, हमारे भी इंडिया का क्या होगा, मान लो कि इंडिया का जो पूरा डेटा है फेसबुक का वो कहीं बेंगलोर में या कहीं दिल्ली में स्टोर हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि जहाँ रह रहे वहीं पे स्टोर हो, तो हमारे डेटा कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी, कि जो हमारा डेटा है जरूरी नहीं है कि जहाँ हमें वहीं पे फिजिकल लोकेशन पे ही वो होना चाहिए, वो कहीं पे भी हमारे रिमोट लोकेशन पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये हो गया हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी। तीसरा है डिजास्टर रिकवरी, मीन्स डिजास्टर रिकवरी मीन्स, अब हमने ये तीनों का डेटा इस स्टोरेज पे रखा, हम क्या कर सकते हैं,
कि इसका एक बैकअप बना के रख सकते हैं H2 नाम से। ये हो गया S1, S2, S3, मतलब हमने क्या किया, जो भी ये लोग काम कर रहे हैं उनके डेटा का हम क्या करते हैं, कॉपी बना के रखते हैं। ऐसा हर एक जगह पे होगा, मान लो बैंक में काम कर रहा है कोई, तो उसका हमेशा क्या रहता है, एक बैकअप सर्वर भी रहता है। ये जरूरी नहीं है, क्या पता कि लाइट चली जाए या आग लग जाए पूरे बैंक में, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। बट हमको डेटा फिर वहां से मिलेगा सेकंड स्टोरेज से, मतलब हमने अलग अलग लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को कॉपी बना बना के रख लेते हैं, ताकि क्या हो कि किसी प्रकार का डिजास्टर हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, तो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे स्टोरेज से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ला सकें। तो ये होते हैं हमारे कुछ एडवांटेज इसके स्टोरेज एरिया नेटवर्क के। नुकसान में पहला डिसएडवांटेज क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। जो हमारे स्टोरेज सर्वर्स आते हैं या स्टोरेज डिवाइसेज आते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरा, हाईली स्किल एडमिन रिक्वायर। अब हमने क्या किया, हम स्टोरेज एरिया को नेटवर्क को एक्सेस करवा रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर, मतलब हाईली स्किल बंदा चाहिए रहता है इन सबको संभालने के लिए। सीधी बात है, सबका डेटा यहाँ पे जा रहा है और हर लोग एक्सेस कर पा रहे हैं उसको, तो हर एक चीज़, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है कोई चीज़ तो बाकी दो चीज लोगों को वो चीज़ दिखे, क्या पता वो ये बैंक का मैनेजर हो और सिर्फ हमें उसको ही एक्सेस देना है कि वो आईडी और पासवर्ड देख सके लोगों की, ये जो बाकी दो लोग हैं वो लोग ना देख पाए। लेकिन ये आपने आईडी पासवर्ड भी वहाँ सेव कर रहे हैं, तो क्या ये बाकी दो लोग देख लेंगे, नहीं, हम कुछ ऐसी उसमें सिक्योरिटी लगाएंगे कि यदि बैंक का आईडी पासवर्ड ये रख रहा है यहाँ पे, तो उसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर देगी बाकी दो लोग को वो ना देखे। तो हमें एक हाईली स्किल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए रहता है इन चीज़ों के लिए, जब भी कनेक्टिविटी या नेटवर्किंग होती है, ताकि हम उन सब चीज़ों को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। तो ये हुआ कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे ईपीएन, यानी कि इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ओके। अगला हमारा नेटवर्क है ईपीएन, ईपीएन यानी कि इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। अब इसको भी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी, कंपनी को क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज, ठीक है। जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है कुछ भी, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज, यानी कि कोई भी कंपनी ले लो या फर्म ले लो या कुछ भी, इंटरप्राइज मान लो एक कंपनी है। प्राइवेट मतलब क्या होता है, खुद, प्राइवेट मतलब खुद का, और नेटवर्क मतलब तो पता ही है नेटवर्क, तो क्या हो गया इसका मतलब, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, मतलब ऐसा नेटवर्क जो एक कंपनी खुद का बनाएगी वह क्या कहलाएगा, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कि मैं मान लू एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी बेंगलोर में है, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरी कंपनी के जो अलग अलग ऑफिस हैं, जो अलग अलग सिटीज में हैं, सिर्फ उनके ही कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहे, तो मैं एक प्राइवेट नेटवर्क बनाऊंगा कि मेरा एक कंपनी भोपाल में है, एक बेंगलोर में है, एक चेन्नई में है, एक मुंबई में है। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे ब्रांच ऑफिस है वो क्या करें, आपस में कनेक्ट हो सके, ठीक है। लेकिन मैं क्या कोई पब्लिक नेटवर्क नहीं चाहता, मैं खुद का नेटवर्क बनाऊंगा, उस खुद के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, कि मैंने खुद की इंटरनेट कनेक्शन ले ली और मेरे कंप्यूटर उस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। तो यदि मैं वह नेटवर्क की बात करूं, तो वह नेटवर्क क्या कहलाएगा, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, मतलब कि उसमें कोई भी चौथा बंदा ऐड नहीं होगा, उसमें सिर्फ वही लोग ऐड होंगे जो उस कंपनी में काम करते हैं, या वही कंप्यूटर कनेक्ट होंगे जो उन कंपनी के ऑफिस में रखे हुए हैं। तो उस तरीके का नेटवर्क क्या कहलाएगा, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। और वह किनको जोड़ेगा, उस कंपनी वाले को और उसकी जो अलग अलग शहरों में या अलग अलग देशों में उनकी ब्रांचेज है, सिर्फ उन्हीं के कंप्यूटर या उन्हीं के लोगों को जोड़ेगा। तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। और ऐसा हम क्यों करते हैं, सीधी बात है कि हमको हमारे कंपनी के रिसोर्सेज शेयर करनी है, हमारी डिवाइसेज शेयर करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। सीधी बात है कि सब ऑल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी से, मान लो कि अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, ईपीएन, ठीक है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, कि हमने कोई चीजें खरीदी तो वो हम इंडिया में है, लेकिन उसकी चीजें कहाँ पे है, फॉरेन में उसकी पूरी कंपनी, तो वो दोनों की लिंकिंग कैसे हो रही है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। और यहाँ अपडेट करते हैं तो सीधे वहां के कंप्यूटर्स में अपडेट हो जाती है कि वहां से प्रोडक्ट चल गया है, ठीक है, हमको ये भेजना है, जो भी सारी चीजें हैं
तो ये हो क्या रहा है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, इसमें कोई चौथा बंदा नहीं है इंक्लूड, सिर्फ कौन है वह कंपनी और उसके कंपनी के काम करने वालों के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में इसमें सीधी बात है कि क्या हो रहा है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्केलेबिलिटी, ठीक है, कितने भी सारे लोग ऐड हो सकते हैं ये तो हमें पता ही है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क से परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है, सीधी बात है, कंपनी के चीजें आसानी से रिसोर्सेस शेयर कर पा रहे हैं, एक दूसरे को तुरंत डेटा सेंड कर पा रहे हैं, अलग अलग जगह पे भी वो लोकेशन पे, तो भी क्या होगा, उसी कारण क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ पाएगा, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी उनके पास डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, बहुत महंगा स्टोरेज डिवाइसेस करा किसी कंपनी ने, करोड़ों के आते हैं, ठीक है, एक करोड़ का बैंगलोर में सेटअप लगा दिया, पर अब क्या होगा, उस डिवाइसेस को ये बाकी ब्रांच वाले भी यूज कर पाएंगे, यदि ये टीम बोले कि हमें भी हमारा डेटा रखना है तो वो वहां पे रख पाएंगे, इसके थ्रू इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। ये कुछ फायदे हैं जो इसके होते हैं इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। अगला हम पढ़ेंगे VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके, अगला है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके, अगला हमारा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यहां पे क्या है लिखा हुआ, वर्चुअल और दो चीज लिखी है प्राइवेट, वर्चुअल मतलब क्या होता है, जो है ही, ठीक है, ज्यादातर हम वर्चुअल का मतलब क्या होते हैं, क्या समझते हैं, वर्चुअल मतलब दो का टाइप का, या फिर जो चीज होती ही नहीं उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल, एक होता है रियल जिसका अस्तित्व होता है, एक होता है वर्चुअल जिसका अस्तित्व नहीं होता है। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से क्या मतलब, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से मतलब ये है कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो क्या होता है, एक सिक्योर नेटवर्क होता है, किस पे बनाते हैं सिक्योर नेटवर्क, वो हमारा जो पब्लिक नेटवर्क होता है, मतलब कि जो इंटरनेट है जिससे पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, उसी पे हम एक अलग से वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, वर्चुअल बोलते हैं सिक्योर नेटवर्क, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, तो उस नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ऐसा बना तो है, मान लो कि पूरी दुनिया के लोग कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, बट बैंक वालों का क्या होगा, बैंक वालों को कैसा नेटवर्क चाहिए, सिक्योर, क्यों चाहिए सिक्योर नेटवर्क, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो रोज के ट्रांजेक्शन है वो सब कैसे रहते हैं, आईडी पासवर्ड वाले रहते हैं, पैसे ट्रांसफर वाले रहते हैं, तो बाकी लोग उसमें इंटरफेयर ना कर पाए, तो वो क्या करेंगे, वह बोलेंगे कंपनी वाले से कि हमको एक अलग से सिक्योर नेटवर्क दो, भले ही हम इंटरनेट यही यूज करेंगे, हम पब्लिक नेटवर्क ही यूज करेंगे, लेकिन हमको एक अलग से सिक्योर नेटवर्क चाहिए जिसमें हम हमारे कंपनी के लोगों को जोड़ सकें, हम कंपनी का डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकें, बैंक का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, किसी को रिसोर्स चाहिए तो हमारे बैंक वाला कोई दूसरी जगह पे हो, उसको यदि रिसोर्स एक्सेस करना है तो वो इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरह नेटवर्क की हेल्प से क्या कर सके, एक्सेस कर सके, रिमोट एक्सेस कर सके, तो उस चीज के लिए क्या बनाया जाता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, मतलब कि पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट पे हम एक अलग से एक सिक्योर नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को क्या नाम दिया गया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब कि एक कंपनी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क या सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क, उसे क्या कहा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके, आया समझ में। अब ये तो हो गए हमारे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके फायदे क्या होंगे, सीधी बात है ये कंपनी का खुद का है और प्राइवेट है, तो इसमें सिक्योरिटी कैसी रहेगी, हाई, इट इज वेरी हाई सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, रिमोट एक्सेस, ठीक है, रिमोट एक्सेस क्या हो जाएगा, मतलब कि कोई हमारा जो कंपनी का बंदा है या हमारे बैंक में काम करने वाला बंदा है या किसी दूसरी लोकेशन पे, उसको तुरंत क्या हो गया, हमारी कंपनी को रिसोर्स की जरूरत पड़ गई कि वो दूसरी जगह पे वहां से काम कर रहा है, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो ये कुछ फायदे हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग के, बाकी तो जो पूरे एडवांटेज है जो नेटवर्किंग के होते हैं वो भी इस नेटवर्क के हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, पहला क्या हो जाएगा, स्लो स्पीड, ठीक है, जैसे कि हम मालूम है कि यदि हम पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं तो वो ज्यादातर कैसा रहता है, स्लो होता है, यदि हम एक अलग से नेटवर्क लेते हैं कंपनी से, लीज लाइन लेते हैं, ठीक है, कि हमने बोल दिया बीएसएनएल वालों से या एयरटेल वालों से कि हमें एक अलग से कनेक्शन दो जिसमें बाकी लोग कनेक्टेड नहीं रहे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमको हमारे घर के लिए एक अलग से कनेक्शन दो ब्रॉडबैंड वाला, तो उसमें क्या मिलती है, हमको स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है। सीधी बात है कि यदि हम पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑलरेडी क्या रहता है, ट्रैफिक रहता है, तो उसकी स्पीड क्या मिलेगी,
स्लो, क्योंकि उसी पब्लिक नेटवर्क पे हम अलग से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क मान ले तो अलग से सिक्योर कनेक्शन मांग रहे हैं, तो वो एक तरीके का पब्लिक नेटवर्क है, तो हमको स्पीड कैसे मिलती है, स्लो। और दूसरा नुकसान क्या है, अभी पब्लिक नेटवर्क पे हम सिक्योर नेटवर्क बना चुके हैं, फिर भी हमको इसका डर रहेगा हैकर्स का, ठीक है, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन उस सिक्योर नेटवर्क से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वैसे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, पर इनकेस हो सकता है ऐसा कि हमारी चीजों को कोई भी चुरा ले, क्या पता बैंक का ही कोई बंदा बता दे कि ऐसी ऐसी चीज हमने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया, ऐसे ऐसे करके चीजों को चुरा ले, तो क्या होगा, उसके हैक होने की या डेटा को चुराने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो एडवांटेज होगा और ये तो डिसएडवांटेज किसके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है क्या, पब्लिक नेटवर्क पे ही हम एक अलग से सिक्योर नेटवर्क बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये बना क्यों रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं जो अलग अलग वर्ल्ड में हैं, ठीक है, हमारी कंपनी के, वो हमारी रिसोर्स को एक्सेस कर सके थ्रू दिस प्राइवेट नेटवर्क। तो इसलिए हमने क्या बनाया, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोलॉजीज। ओके, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में यहीं तक पढ़ना, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो सच में इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी नेटवर्क। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें।